नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों SSC ने SSC CHSL मेंस की जो आंसर की दी उसमें कई सारे प्रश्नों के उत्तर गलत दे दिए उन्होंने। कई में दो ऑप्शन सही थे तो दूसरा वाला बच्चे ने मार्क करा, पहला ऑप्शन उन्होंने सही दे दिया। कई प्रश्नों के उत्तर गलत दिए और GK GS और इंग्लिश और रीजनिंग तीनों में गलत क्वेश्चन पाए गए हैं। मैथमेटिक्स में एक भी प्रश्न मुझे गलत नहीं लगा क्योंकि मैथमेटिक्स का 300 प्रश्न का सलूशन मैंने करवाया तो मुझे कोई ऑप्शन गलत नहीं मिला ना कोई प्रश्न गलत मिला। ठीक है, हो सकता है लैंग्वेज कहीं पे आपको गलत लगी हो तो वो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेना तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं। और जो प्रश्न बच्चों ने भेजा वही क्रॉस चेक किया है मैंने और उसी प्रश्न का आपको सलूशन करवाने वाला हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बच्चे कह रहे थे गलत है वो सही निकला तो वो भी दिखा दूंगा कि आपको क्यों लग रहा है कि ये गलत है। ठीक है, क्या आपके मिसकैलकुलेशन रही। ठीक है, तो अंग्रेजी में गलत क्वेश्चन पाए गए हैं, GK GS में और रीजनिंग में पाए गए हैं। मैथमेटिक्स में एज फॉर नाउ एज आई हैव सॉल्व्ड ऑल 30 क्वेश्चंस आई हैव नॉट फाउंड एनी क्वेश्चंस रॉन्ग। पहला प्रश्न जो बच्चों ने गलत क्लेम करा, क्वेश्चन आईडी आप नोट कर सकते हैं 26433014 8534। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन आईडी है और आप इसको क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया कि अगर प्लस मीन्स प्लस का मतलब इन्होंने दे दिया कि डिवीजन होता है, प्लस का मतलब डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब माइनस होता है, डिवीजन का मतलब प्लस होता है और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो आपको पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम रख देते हैं 91, उसके बाद दिया गया था प्लस, प्लस की जगह पे हम रखेंगे डिवीजन, 13, माइनस दिया गया था, माइनस की जगह पे रखेंगे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है माइनस यानी कि ये माइनस हो जाएगा 37, और डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड का मतलब है प्लस का 44। अब आपको बोर्ड मास लगाना था, बोर्ड मास लगाने के बाद आपको पता है सबसे पहले हम करते हैं डिवीजन, तो 13 से 91 में डिवाइड करेंगे 7 यानी 7 8 56, माइनस 37 प्लस 44 यानी कि प्लस का 7 आएगा, 56 और 7 63 यानी आपका उत्तर मस्ट बी 63, बट SSC ने गलती से 59 मार्क कर दिया तो आपको जिनने 63 मार्क किया उनका आंसर सही है। ठीक है, और जिनने 59 किया है वो SSC ने मतलब अभी हो सकता है आपने 59 गलती से मार्क कर दिया हो, ठीक है, तो अभी सही आ रहा है लेकिन SSC जब आंसर की रिवाइज करेगी तो इसका करेक्ट आंसर 63 देगी, तो आप इसको क्लेम करके 4 नंबर बढ़ा सकते हैं अपना। ठीक है, तो रीजनिंग का ये प्रश्न गलत जो बच्चों ने क्लेम किया वो वास्तव में गलत था। अगला प्रश्न आपसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछा गया, चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, तीव्रता या हिंदी में जो भी कहते हों, उसमें पूछा गया था कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन CGS आपको पता है कि होता है, तीन टाइप के सिस्टम होते हैं CGS, सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम और सेकंड होता है, और उसके बाद होता है FPS फूट पाउट सेकंड होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो बिल्कुल सही आंसर इन्होंने दिया था, अरेस्टेड भी होता है लेकिन इसके साथ ही साथ CGS मतलब CGS प्रणाली का ही, सेंटीग्राम ग्राम सेकंड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली का ही दूसरा जो यूनिट है वो कौन सी है, इसकी गॉस जो है वो भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी मानने की CGS कह रहा हूँ, ठीक है, जो आपको एम्प्लॉय बनने के बाद मिलेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो CGS यूनिट जो है इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वो गॉस भी है और अरेस्टेड भी है, तो आपने इसमें से कोई मार्क किया होगा तो दोनों आंसर सही है। ठीक है, अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट की, तो जो इंटरनेशनल यूनिट है उसकी वैल्यू टेस्ला है, मतलब उसमें इसको मापते हैं टेस्ला में। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन टेस्ला इन SI यूनिट। इफ़ वी टॉक अबाउट CGS तो हम इसको गॉस या अरेस्टेड दोनों में से कोई सा ऑप्शन सही होता चाहिए चाहिए, तो इसका भी SSC सबको देगी, बोनस देना चाहिए, सबको देना चाहिए। अंग्रेजी में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, इसमें एक्शनेबल होगा, ठीक है, वो लीगलाइज होगा, लीगलाइजिंग होगा। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, आप अगर एक्शनेबल की मीनिंग सर्च करेंगे तो एक्शनेबल की मीनिंग कौन सी है देख सकते हैं, एक्शनेबल को मैंने जब डिक्शनरी में सर्च किया तो एक्शनेबल का मतलब ही यही है, लॉ गिविंग सफिशियंट रीजन टू टेक लीगल एक्शन, यानी आप सफिशियंट रीजन दे पाए लीगल एक्शन लेने के लिए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो SSC ने दिया वो करेक्ट है। आप लोग फर्जी कंफ्यूज हो रहे हैं, यानी कि लीगलाइजिंग नहीं होगा, लीगलाइजिंग मतलब होता है किसी चीज़ को लीगल प्रूफ करना, और जो एक्शनेबल होता है ना, एक्शनेबल मतलब होता है कि आप किसी को सफिशियंट रीजन दे दें, एक्शनेबल मतलब होता है किसी को सफिशियंट रीजन देना ताकि वो लीगल एक्शन ले पाए, तो एक्शनेबल जो SSC ने दिया है बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है,
या आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एबल टू बी डन और एक्टेड हैविंग प्रैक्टिकल वैल्यू, या इसका यहाँ पे देख सकते हो इंसाइटफुल एंड एक्सटेनेबल इन्फॉर्मेशन ऑन द इफेक्ट एडवर्टाइजिंग इन हैविंग योर ब्रांड, ये आपको देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अगला प्रश्न जीके से है। कई लोगों ने लिखा था कि माल्टेज, इसमें से एसएससी ने दिया कि दोनों स्टेटमेंट सही है। इन्हें पहला स्टेटमेंट दिया कि माल्टेज लार में होता है और शुगर को, शुगर माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, पहला स्टेटमेंट था। एमाइलेज इज प्रेजेंट इन सलाइवा एंड हेल्प चेंज स्टार्चेज इनटू शुगर्स। तो अगर हम माल्टेज की बात करें तो माल्टेज कहाँ से होता है, माल्टेज जो होता है वो इंटेस्टाइन यानी आंत से रिलीज होता है। मैं दिखाई दे रहा हूँ प्रूफ, देखो इंटेस्टाइन इज माल्टेज इज सीक्रेटेड बाई, तो आपका आया इंटेस्टाइन। ड्यूरिंग डाइजेशन स्टार्च इज पार्शियली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू माल्टोज बाई द पैनक्रियाटिक और सेलाइवरी एंजाइम्स कॉल्ड एमाइलेज। सेलाइवरी एंजाइम कौन सा है, पैनक्रियास या पैनक्रियास से जो निकलता है, या सेलाइवरी यानी कि जो लार से निकलता है वो कौन सा एंजाइम है, एमाइलेज। इन्होंने माल्टेज को दे दिया, माल्टेज इंटेस्टाइन से निकलता है। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन से होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे लिख दिया गया माल्टेज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन देन कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज, माल्टोज को ग्लूकोज में तो परिवर्तित करता है, इसका काम तो क्या है, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करना है, लेकिन इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन। आप देख सकते हैं माल्टेज इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन यानी आंत से निकलता है और कन्वर्ट क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि माल्टेज का काम क्या होता है, माल्टेज इंटेस्टाइन से तो निकलता है लेकिन इसका काम क्या होता है, माल्टेज क्या काम करता है, ये उठाता है माल्टोज को। माल्टोज क्या होता है, माल्टोज का फॉर्मूला भी बताता हूँ, माल्टोज उठाता है ठीक है और इसको बदल देता है ग्लूकोज में, किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, माल्टोज को हम लिखते हैं सी, माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, माल्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो जो माल्टेज एंजाइम इस पे काम करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, तो इसको क्या काम करता है, माल्टोज को दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, यानी कि माल्टोज इज कन्वर्टेड इंटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बाई कौन से एंजाइम, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज क्या है, एंजाइम है, यानी माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज को दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, यही प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट ये तो ये गलत था। ठीक है, ये गलत था, ये शुगर माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, ये सेकंड पार्ट तो सही था लेकिन पहला पार्ट गलत था, तो जहाँ पे ऑप्शन ए आ रहा था वो गलत हो गया, ऑप्शन ए वाला गलत हो गया। तो यानी अब आपके पास दो ऑप्शन बचे थे। अब एमाइलेज इज प्रेजेंट इन सलाइवा, बिल्कुल सही है, हेल्प चेंजेस स्टार्च इनटू शुगर्स। एमाइलेज का काम क्या होता है, एमाइलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सलाइवा में, किसमें चेंज करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। एक चीज़ और बताना था कि एमाइलेज जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड और उसमें पैनक्रियाज दोनों से, यानी पैनक्रियाज ग्लैंड से ये निकलता है। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड्स में भी, सलाइवरी ग्लैंड में भी होता है और इसमें भी होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड में है यानी कि सलाइवा में होगा, तो ये सही है पहला पार्ट, और स्टार्च को शुगर में बदलता है। एक चीज़ और बताना है कि जो एमाइलेज होता है इसको क्या लिखते हैं, एमियोलिटिक, एमियोलोलिटिक एंजाइम इसको बोलते हैं या एमाइलेज बोले। ये क्या काम करता है, ये काम करता है आपका स्टार्च को शुगर में बदल देता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही था और पहला स्टेटमेंट गलत, तो बी वाला तो सही था। ठीक है, बी सही था, यानी आपका ऑप्शन होना चाहिए 3 और दे दिया इन्होंने 4। कुछ लोग इस प्रश्न में कंफ्यूज थे कि उस आकृति की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब सीरीज क्या दी गई, देखो सबसे पहले देखो आउटर फिगर में कितनी साइड्स है, 4, इनर फिगर में कितनी साइड्स है, 3, तो 4 से 3 हुआ, यानी कि आउटर फिगर में एक साइड ज़्यादा है, अंदर वाले फिगर में एक साइड कम है। ठीक है, 4 से 3 हुआ। अगर हम इधर देखें तो आउटर फिगर में कितनी साइड है, 5, इनर फिगर में कितनी साइड है, 4, तो 5 से 4 यानी 1 कम हुआ। अगर हम इस फिगर की बात करें तो इसमें देखो आउटर फिगर में कितनी साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 साइड आउटर फिगर में, अंदर वाले 1, 2, 3, 4, 5 यानी अंदर वाले में 5, 6 से 1 कम हुआ 5। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो बाहरी फिगर में कितने साइड है, 5, और अंदर वाले फिगर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 से 1 बढ़ रहा है, बाकी सब में 1 कम हो रहा है, यानी आउटर फिगर में, आउटर जो फिगर है उसमें साइड्स +1 है और इनर फिगर में साइड्स n हो तो आउटर फिगर में n+1 साइड है, इसमें उल्टा है। ठीक है, तो ये श्रृंखला से संबंधित नहीं है, एसएससी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। एक कंप्रिहेंशन का भी क्वेश्चन है इंग्लिश में, जिसमें क्वेश्चन आईडी लिख लो 2643301484 75। ठीक है,
ये इसमें था जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था, इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन वाज 900 मिलियन इन 2021, और जबकि स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट था ये था कि 900 मिलियन थी 2021 में इंडिया की पॉपुलेशन, जबकि इन यो पैसेज इट वाज गिवन दैट इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन स्टैंड्स एट मोर देन 900 मिलियन, मोर देन 900 था, यहाँ पे 900 पे इन्होंने सही किया, तो ये भी प्रश्न गलत हो सकता है, यानी कि इसमें लिखा था बोथ ए एंड बी आर ट्रू, जो कि गलत हो सकता है, लिख सकते थे कि ए इज फॉल्स बी इज ट्रू, यानी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू एज पर क्वेश्चन। इंग्लिश में एक और क्वेश्चन लोग गलत कह रहे हैं बट मेरे हिसाब से सही है, जो आपका कहा गया था क्वेश्चन आईडी नोट कर लेना 26433058346, इसमें कहा गया था कि एन इलेबरेट नेटवर्क इस क्या लिखा हुआ था, मैं बता दे रहा हूँ, एन इलेबरेट नेटवर्क, ठीक है, फिर दूसरा पार्ट था इज, तीसरा पार्ट था द पार्ट ऑफ द प्लॉट ऑफ, चौथा पार्ट था स्कीम्स एंड ट्रिक्स ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी ऑफ है, यहाँ पे द प्लॉट ऑफ, फिर यहाँ पे भी ऑफ है, अगर हम इसके बाद ये लाएंगे तो दो बार ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन में सुधार दिया, मेरे हिसाब से ये ऑफ ऐसा दिया गया कि इन द प्लॉट ऑफ ऑफ नहीं आना चाहिए, एक ही बार ऑफ कंसीडर करके एसएससी ने दे दिया, हालांकि आप क्लेम कर सकते हैं दो बार ऑफ हो जाएगा अगर ऐड करेंगे तो। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे गलत लगे, और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो टेलीग्राम चैनल पे अपना @ डालना, ROHIT फिर टी फिर TRIPATHI, तीन बार टी है बीच में, रोहित फिर टी फिर त्रिपाठी, इस पर ग्रुप है, इस पर शेयर कर देना, आप लोग डिस्कस कर लेना, इसके सिवा मेरे हिसाब से कोई प्रश्न गलत नहीं है, क्योंकि आई हैव टेकन ऑल द डाउट्स सेंड बाय यू गाइस और आई हैव क्रॉस चेक्ड ईच एंड एवरीवन, तो आई थिंक अब आपको मेंस का सलूशन जरूर देखना चाहिए, मैथमेटिक्स में कोई प्रश्न नहीं गलत था, उसका सलूशन मैंने करवा दिया, बाकी यहाँ पे आपको मेंस का सलूशन मिल जाएगा, यहाँ पे स्टार बेस्ट 2.0 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियोज यहाँ पे भी मिल जाएगी, और गूगल सर्वे फॉर्म हमने क्रिएट करा है जो सर्वे के लिए, उसको फिल भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, जिससे हमें एक कट ऑफ एनालिसिस एक्सपेक्टेड स्कोर बनाने में आसानी रहे, ठीक है, तो मेंस का सलूशन चेक करने के बाद गूगल फॉर्म जरूर भरें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और टेलीग्राम चैनल